जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन का पास पेपर 2020 में जो मुनाकिद हुआ। इसके आज हम मजीद 10 क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी 3 वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं पास पेपर्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह वो मैं प्लेलिस्ट जो है उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप वहाँ पे जाके वो सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं पास पेपर के रिलेटेड। तो आज पहला सवाल जो है आज का ये सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये था सिनोनिम ऑफ रेप्रिसल। रेप्रिसल जो है इसका सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है कि मिलता जुलता लफ्ज, ठीक है, यानी इनके मानी एक हों उन लफ्जों के। तो रेप्रिसल का जो जो राइट ऑप्शन जो वहां पर थी वो थी रिटेलिएशन। इसके अलावा जो रिटेलिएशन के अलावा जो है इसको सिनोनिम रिप्लाई ये भी बनता है, रेस्पॉन्स ये भी बनता है, तो वो वर्ड चेंज करके भी पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों इसी तरह आपसे एंटोनिम भी पूछे जा सकते हैं। एंटोनिम जो है वो होते हैं उलट, आपने बताने होते हैं डिफरेंट मानी के जो वर्ड होता है वो आपने बताना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टॉप स्पिन कॉजेज इन क्रिकेट, तो इसकी मुख्तलिफ ऑप्शन ही, जो राइट ऑप्शन है ये हायर रीबाउंड है। अच्छा, EXIF स्टैंड फॉर एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, ये जो है इसका एब्रीवेशन है। आपको जो है दूसरों और भी से मिलते जुलते मुख्तलिफ एब्रीवेशन जो हैं वो भी आने चाहिए, ये भी अक्सर पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे ISPR का पूछा जा सकता है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, इसी तरह और भी डिफरेंट जो भी एब्रीवेशन आपसे आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिगमंड फ्रूड इज फादर ऑफ थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस। थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस जो है ये सिगमंड फ्रूड ने दी थी, इसको जो है फादर इसका कहा जाता है। इसके अलावा जो सिगमंड फ्रूड है दोस्तों ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट भी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पेंटाथलोन इन एंशियंट ओलंपिक्स। पेंटाथलोन जो है इसके एंशियंट ओलंपिक्स में इसके अंदर कौन कौन से इवेंट होते थे, तो ये इसमें लिखा गया है इसमें रेस होती थी 183 मीटर या 200 यार्ड रेस होती थी, इसके अलावा लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलन थ्रो और रेसलिंग का मैच होता था। तो ये 5 इवेंट जो है ये पेंटाथलोन के अंदर खेले जाते थे। इसके अलावा दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्राइथलोन जो इवेंट है इसके अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं, जो ट्राइथलोन के अंदर जो है वो स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग ये वाले जो इवेंट सही खेले जाते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज लोकेटेड इन, तो वहां पे जो इसका राइट ऑप्शन थी वो थी हिजाज। हिजाज जो है इसको वेस्टर्न प्रोविंस भी कहते हैं सऊदी अरेबिया का, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ सिटीज आ जाते हैं, जैसे मक्का, मदीना, रियाद, तबूक है, ताइफ है, ये सारे हिजाज के इलाके में आते हैं। तो आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, तो कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया अगर पूछेंगे तो आप रियाद है इसका जो कैपिटल है। इसके अलावा दोस्तों और जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उसके भी आपको आने चाहिए कैपिटल, जिस हम हमारे हमसाया मुल्क है इंडिया है, चाइना है, इसके अलावा अफगानिस्तान है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं दुनिया में कह सकते हैं US है, UK है, कनाडा है, फ्रांस है, और जो मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं उसके जो आपको कैपिटल्स हैं वो आने चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बाबर डिफीटेड लोधी इन 1526। 1526 में जो है ये बाबर ने लोधी को शिकस्त दी थी और अपनी जो हुकूमत जो है वो बरेसगीर में कायम की थी, मुगलिया हुकूमत जिसको कहते हैं, तो इसका आगाज जो है 1526 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट चीफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये जनरल टिक्का खान है। इसके अलावा दोस्तों आपसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसके अलावा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपसे पूछा जा सकता है ये लियाकत अली खान थे, 1951 में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे जब गवर्नर जनरल का जो होता है वो खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये सिकंदर मिर्जा थे।
ये 1956 में जो है ये प्रेसिडेंट बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनर ऑफ यूएस ओपन 2020 मेल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये डोमिनिक थीम ने ये विन किया था यूएस ओपन 2020। इनका जो तल्लुक है ये ऑस्ट्रेलिया से है। इसके अलावा ये क्वेश्चन था दोस्तों, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा फ्रॉम रिटन इंटरव्यूज और फील्ड नोट्स इनटू टाइप टेक्स्ट। ये दोस्तों रिसर्च का जो है ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये सारे प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन दी हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में आपके साथ मजीद जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।